अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? इज माय वॉइस कमिंग टू ऑल ऑफ यू? यस सर। देयर वाज सम इंटरनेट इशू व्हिच हैज बीन रिजॉल्व्ड नाउ। So let's wait for a minute so that maximum students can join the session. Now you can ask about your questions. Yes. Now, what are your curious, please? So, what were our topics of literary discourse and journalistic writing? What topics have you studied? Okay. We have studied what is discourse, sir, final term ke topic. अभी तो फिलहाल आप इसको करें ना। नहीं, हमारा मिड टर्म में था। फिलहाल डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम करेंगे। यस एंड एंड यस हरिया, नरेशंस थे। यस सर, उसमें लिटरेरी डिवाइस भी थे। कॉनोटेशन थे, कॉनोटेशन, कॉनोटेशन और डेनोटेशन। और क्या था? साइन एंड मीनिंग आई गेस, या वो मीडिया डिस्कोर्स में था। देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स व्हिच आर सेम फॉर बोथ, जस्ट लाइक इंटरपोलेशन एंड मीडिएशन एंड टाइप्स ऑफ लिटरेरी डिस्कोर्स। सर, इंटरटेक्सुअलिटी भी तो वो इसमें था क्या? नहीं नहीं यस सर, इट वाज इन मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस। Yes, and others in literary devices, you have studied many types of devices like anaphora, connotation, जो नीचे आ रहा है, ambiguity, anaphora, ambiguity, hyperbole, metonymy, paradox, metonymy and connotation. So you have vagueness, narration, paradox. They all are coming in the category of, for they are, they all are included in the category of literary devices. And hyperbole, yes. Links means here conjunctions, discourse markers. If you remember discourse, yes sir, markers. और इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस,
या वो लिंक्स के अंदर आ जाएंगे. ओके. वर्ड फ्रेज क्लॉज सेंटेंस वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएंगे सर जी. वो डिस्कोर्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएंगे. डिस्कोर्स स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड हियर डिस्कोर्स स्ट्रक्चर. एंड व्हाट मोर सर आई गेस यही है. ओके मिसिंग देख लें फिर मेरे पास लिखा हुआ हो तो आई विल गिव इन द एग्जाम्स. सर आपके पास जो लिखा है वो बताएं. आई विल हैव टू सर्च फाइल में. आई एम जस्ट आस्किंग यू बिकॉज़ यू विल हैव टेकन क्लास या अटेंडेड द क्लासेस. हाउ टू यूज डिक्शनरी इफेक्टिवली. या आई हैव आल्सो टॉट फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट mentioned in the course but I taught you how to use dictionaries effectively, right? Iske alawa inference ji. Fun, but they are coming again in the in literary devices, wordplay, fun. इसी में montage media discourse analysis. Montage, yes. और सर paraphrasing technique किस में आएगा? Paraphrasing technique is a part of both, but it is mainly here. This one. So literary discourse analysis. Yes, literary. Discourse analysis. लेकिन कहां से आगे बात. लिटरेरी डिस्कोर्स एनालिसिस. रिमेंबर मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस विल बी फिजिकल ऑन कैंपस एंड लिटरेरी डिस्कोर्स एनालिसिस विल बी ऑनलाइन. राइटिंग अ न्यूज स्टोरी इज इट इन लिटरेरी डिस्कोर्स एनालिसिस? Yes. इसमें या मीडिया में? लिटरेरी डिस्कोर्स में. राइटिंग अ न्यूज स्टोरी. चेक कर लीजिएगा मुझे लग रहा है इसमें तो नहीं है. राइटिंग अ न्यूज स्टोरी राइट. सर खत्म. लास्ट यही था. सो दीज आर द टॉपिक्स you have been taught throughout and there are few okay. topics which contain many other topics just like literary devices contain. So we have covered few of them in the midterm exams. So तो कॉन्टेशन और डोनेटेशन भी हम मेटा में पढ़ चुके थे. कोई बात नहीं दोबारा देख लीजिए. मैं अंदाज से आया. डिस्कोर्स मार्कर तो नहीं दिया था ना? ये भी मेटा में था. डिस्कोर्स मार्कर मेडिएशन भी मिड टर्म में था. लिटरली डिवाइसेस भी सारी मिड में थी जी. बहरहाल इसको अब आप देख लीजिएगा ठीक है. इन चीजों को देख लीजिएगा सर. कनोटेशन डोनेटेशन और ये भी मिड टर्म में हो चुका है. कोई बात नहीं है ये इसको मैं हटा देता हूँ. बाकी वो देख लीजिएगा.
these are the things which you will be given in the, you can be asked things regarding them. इनके हवाले से आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में. तरीका कार आप लोगों को पता है कैसे पूछा जाएगा और कितना वक्त होगा. ठीक है, ये सब चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा. और इसके अलावा प्लेजरिज्म भी मैंने करवाया था आप लोगों को. जी सर. ठीक है, आप लोग प्लेजरिज्म किसी के पार्ट में था सर, प्लेजरिज्म किसी के अंदर आ रहा था, अलग से टॉपिक में ही है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये चीजें मिड में भी करवाई गई, तो इनमें चंद एक चीजें ऐसी होंगी तो आप उसके बारे में परेशान ना हो. ठीक है, मैंने कुछ आप लोगों को करवा दी है, बाकी ये जो चीजें इनको आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इन लोगों इन चीजों को. ठीक है, दीज आर द थिंग्स आउट ऑफ विच आई कैन आस्क यू इन द एग्जाम्स ऑफ 50 मार्क्स. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग देम? दीज आर द टॉपिक्स. सो व्हाट इज मेडिएशन? तो आप बताएंगे ना सर. वी मिड में भी आया था लेकिन हमने कुछ मिला नहीं था इससे रिलेटेड. अभी जो इतनी प्रेजेंटेशन दी है, व्हाट अबाउट देम? आई डोंट नो. कौन बताएगा इसपे? The mediation, this term is derived from word media. It's about media. वो तो मीडिया से ही रिलेटेड है. What more? About media, its types. Sir, it is singular form of It is media, singular form of media. Medium. The plural form is medium. Mediation to alag topic hai na. Mediation is not a singular plural form. It is related to media, right? And sir, ye wo medium. We can say the medium through which the information is delivered. सर मेडिएशन की डेफिनेशन एक बार दोबारा बताएं. एक्चुअली मेडिएशन इज रिलेटेड टू मीडिया स्टडीज एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट्स रिलेटेड टू स्पेशली फॉर्म्स ऑफ मीडिया. और इस पे आपके पास वहां पे लेक्चर भी होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा. तो ये मीडिया में आता है ना, इसमें मीडिया डिस्कोर्स इसमें भी आ जाता है. देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर कॉमन फॉर बोथ. ये आपको दोनों में मिल जाएगा, राइट? ओके सर. तो इसको देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज़ पूरा टॉपिक तो फिर बताना टाइम कंज्यूमिंग होगा. जस्ट आस्क अबाउट द प्रॉब्लम्स सर. या सर, ये मेडिएशन जो टॉपिक है ये आपने हमें दिया था प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमने इसको सर्च किया था, ये नहीं मिल रहा था, ये मसला कर रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था. एनालिसिस जो आपने मीडिया एनालिसिस में वो मीडिया पढ़ाया था, मगर ये मेडिएशन जो है शायद आपने कोई फिजिकल क्लास ली होगी इसकी. फिजिकल ने पढ़ाया था. नोट्स भी तो दिए थे इस पे आप लोगों को मैंने. नहीं सर, नोट्स नहीं थे. नहीं सर, फिजिकल नहीं पढ़ाया था मेडिएशन. चले इसको छोड़, ड्रॉप कर देते हैं. ठीक है, यस सर. मेडिएशन में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कि जो मेडिएशन की टर्म यूज होती है जो हमें नेट पे मिलती है वो कुछ और होता है, और हम इसे मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, तो सर स्टूडेंट इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को मैंने सिलेबस का भेजा था. I don't know whether you people have gone through the syllabus or not. उसमें आपको recommended reading मिली है. You can see there are many, almost 18 recommended papers, including some books.
So have you tried to open them? उनमें मैक्सिमम पेपर्स हैं, तो उनमें अगर आप चंद भी खोल के देख ले तो आपको काफी उससे चीजें मिल जाएं। सेकेंड इज मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस, इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। Now the second one is media discourse analysis. So there are some topics which are common for both. In media discourse analysis, we had जहाँ भी हमारे पास introduction to media mediation था, introduction to yes, mediation. Sir. Starting में था. Introduction to media discourse analysis. Introduction to media discourse analysis. Then we have sign and meanings. Forms of media. Then we have. Forms of media. Then we have signs and meaning. Then we have here intertextuality. Then we have narrative. यहाँ पर भी था लेकिन नहीं सर इसमें नहीं था. We have montage. Mode of address. We discussed. We have language of propaganda. And language of propaganda. Then we have language of interpolation. Language of politics. Interpolation. Modes of address. Interpolation के बाद साथ है modes. Address. Sir, interpolation तो आपने भी literary discourse में add कर दिए. जी, both are same. Modes of address, interpolation, direct mode of address, indirect mode of address. Then we have. और क्या था इसके अंदर? मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन. मोंटाज वो क्या? डीकंस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया टेक्स्ट. एंड और क्या था? यस, नाउ वी हैव हियर जर्नलिस्टिक राइटिंग एज वेल. तो वो वहां पर भी हमने उसको देख लिया था. So some topics are same. And anything that is left here? Sir, वो पिछले वाले में जो analysis of media discourse analysis था वो इसका topic है. Here we have deconstruction of media. वहां हमारे पास लिडिया ओवर देयर वी हैड लिटरी टेक्स्ट एनालिसिस. हियर वी हैव मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस. इफ यू रिमेंबर वी एनालाइज सम एड एडवर्टाइजमेंट एंड देयर स्लोगन्स. एनी अदर थिंग? अरे और कुछ इसमें जो है? नो सर, यही है. सोचे थोड़ा और इसमें अगर कुछ है हमारे पास. सर सारे देख ली मैंने, यही टॉपिक्स हैं.
because I have written, I have got things written in my file. Okay, introduction to media and these things we did in intertextuality bhi ho chuka hai, ye bhi ho gaya. Ab iske baad jo hai, these are the topics which you have to prepare, and out of these topics you can be asked anything regarding anything for your final exams. और भी देख ले इसमें अगर कुछ और भी पढ़ाया हो. हाँ आइडियोलॉजी तो पढ़ाया था ना, आइडियोलॉजी. सर आइडियोलॉजी हमने पढ़ा नहीं था, हमने बस ऊपर से एक ओवरव्यू देखा था इसका. देख लीजिएगा आइडियोलॉजी को भी सर, क्योंकि मुझे याद है आपने इसके सेशन नहीं लिया था, मैंने आपको ये याद दिलाया था, तो हमने बस इसका स्लाइड खोल के सिर्फ इसको देखा था, हमने इसे समझा भी नहीं था, क्योंकि काफी डीप चैप्टर है, लंबा है. सर मीडिया का पेपर फिजिकल होगा ना? यस. कॉपी राइटिंग नहीं करवाई थी? या एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सर मॉन्टाज में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करें. मॉन्टाज एंड मॉन्टाज अलोंग विद मॉन्टाज वी स्टडीड वन मोर थिंग. व्हाट वाज दैट थिंग? मॉन्टाज के साथ एक और चीज हमने पढ़ी थी ना? नॉट कमिंग राइट नाउ इन माइंड. मॉन्टाज व्हेन वी हैव डिफरेंट एड्स, वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन वन एड together and it gives us, give us a new meaning. That is montage. Sorry sir, I didn't get it. Can you repeat again sir? This is montage. Let me give you one example. You can see here. Can you see a dictionary? Ji. A picture, film or piece of music or writing that consists of many separate items put together, especially in an interesting or unusual combination. So here if you talk about writing or picture, so we can see many pictures are put together, or yeah, many writings are put together, especially in an interesting way. For example, this is the example of montage. Can you see? This is here where we have picture example. Different pictures are put together in an interesting way to form something new. Sir, aapki screen show nahi ho rahi. Ho rahi hai show. Ho rahi hai, aa rahi hai. Mere pe. ये पिक्चर की शुरुआत में आपको मैं दिखा दी कि कुछ पिक्चर जैसे आपके पास मोन्ताज की आ रही है. व्हाट इज मोन्ताज? ये मुख्तलिफ आपके पास पिक्चर्स है और उन सबको बना के एक पिक्चर बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मोन्ताज, एंड दैट शोज मेनी थिंग्स इन वन. फोटो मोन्ताज, या हियर यू कैन सी डिफरेंट शहरी के खानदान के मुख्तलिफ, उनको एक जगह करके एक बना दिया, दैट इज मोन्ताज. So anything that gives something or that conveys its meaning, it's is called text. So it can be in the form of picture, it can be in the form of words,
सर राइटिंग में मोंटाज भी होता है या सिर्फ पिक्चर्स में होता है? अभी देखें ये पाकिस्तानी एड में there is an ad, you'll find different words are put together. Examples of montage in Pakistani advertisement. ये तो सर सिंगल मोन्टाज मुख्तलिफ चीजें सरफ हो गया, ये इनको साथ जोड़ के एक चीज बनाई जा रही है मोन्टाज। यहाँ पे देख लें ये कपल्स पता नहीं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, सब मिला के एक चीज कन्वे की जा रही है। यहाँ देख लें आप, यहाँ देख लें ये चार तस्वीर मिला के इन्होंने एक चीज बनाई है, एंड दे आर ट्राइंग टू कन्वे दैट दीज आर द डिफरेंट सीन्स इन दैट मूवी। तो चार सीन को उन्होंने एक साथ जो है करके एक तस्वीर के अंदर पेश कर रहे हैं, सो दैट पीपल कैन सी एंड कैन बी अट्रैक्टेड टू देम। हियर यू कैन सी ये इमरान खान साथ में झंडा, फिर पीछे फैट एफ का जो है, सबको पता होगा ना फैट एफ क्या होता है, फिर तीनों चीजों को कंबाइन करके शो कर रहे हैं। फैट एफ का नहीं पता आपको? वही है ना जिसमें हर पता नहीं हर साल बाद वो मीटिंग होती है ग्रे लाइन में, तो पता नहीं किस लाइन में, इस तरह से कहा जाता है फैट एफ। अभी भी ग्रे लाइन में, तो उस लाइन से बाहर निकलना होगा तो ये IMF की शर्तें माननी होगी। देर आर समथिंग लाइक दिस, सो इट इज शोइंग इट इज कनेक्टेड टू हिम। सिमिलरली हियर यू कैन सी दिस इज अगेन, सो डिफरेंट आइटम्स आर पुट टुगेदर। फॉरेन ड्रामाज इन पाकिस्तान, ये देखें ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है मोन्टाज की, फॉरेन ड्रामाज इन पाकिस्तान यानी बाहर के ड्रामा पाकिस्तान में, इन सबको इन्होंने एक साथ करके शो किया हुआ। So when you read, you will find word montages. I have given you the handout. You read from that handout. And this is practical example. Okay, and sir, deconstruction of media means when you deconstruct, when you unfold or when you tell about that media text, whatever text you have or whatever image you have, you just tell about that particular image, that is called deconstruction of media. For example, here you can see deconstruction. A theory that states that it is impossible for a text to have one fixed meaning and emphasizes the role of the reader in the production of meaning. एक किस्म की theory है. Mean a reader can have many meaning of one. Yeah, it is a theory which says that our text doesn't have only one meaning. It has multiple meanings and it is up to the reader. For example. Means sir, each reader will have a different interpretation regarding that thing. Deconstruction of media text. Now, for example, if you talk about this one, if you talk about this ad. So different people may have different views about this aid. Some may call it in a different way, some may call it in a different way. As I told you, if you know about McDonald's, if you have been there, so you may have different views. If you have never been there, so you may have different views. If you have only seen from outside as we see, so we may have different views. So it is up to the user, reader, or you know, it is up to the person who has experienced such things. So this is what we call deconstruction of media. तो हर एक अपनी अपनी interpretation निकालेगा, तो उसमें deconstruction से मतलब है कि it has no fixed meaning at all.
जैसे कि सर ये पिक आप दिखा रहे हैं मैकडोनल्ड को और एप्पल की, तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐड किसका है। मतलब वो अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं। अब ये जो है, डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। दोज हु नो अबाउट इट वेल दे विल गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, दोज हु डोंट नो अबाउट इट दे मे आल्सो गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो ये इसको हम कहेंगे डीकंस्ट्रक्शन। मतलब इसका कोई एक मतलब नहीं है, किसी भी एड का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं होती। It has multiple meanings. So that when we talk about that meaning, multiple meanings, so we do what? We deconstruct it. And this is called deconstruction of media. फिर उसकी जो है क्या होती है deconstruction, यानी कि it is impossible for a text to have one fixed meaning. So emphasize the role of the reader in the production of meaning. तो reader का role क्या होता है meaning को produce करने का, ये deconstruction आपको को बताएगा। So that is called deconstruction of media text. सर इसमें थोड़ा ये मोड्स ऑफ एड्रेस है ना, ये थोड़ा अगर डिफाइन किया था। दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एड्रेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस। या देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एड्रेस। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस, अब ये देयर इज अ पिक्चर, नाउ दिस इज डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस। व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली लुकिंग एट अस। यानी जब आप इसको देखेंगे इस एड को, तो क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि ये आप ही को देख रही है और आप ही से ये एड्रेस कर रही है। बात समझ आ रही है? तो ये डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो लिखा हुआ होगा उसमें आपको यू सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। You can see this one, direct mode of address. आप ही किताब देख रहे हो और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई होगी उसमें भी सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल होगा। सेकेंड पर्सन मीन्स यू, टाइम आउट, ये सारा आप, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस। इफ यू टॉक अबाउट इन डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस, देन यू विल फाइंड दिस वन। Indirect mode of address. What is indirect mode of address, by the way? When we indirectly convey a message to our audience. The tone and the written or spoken style of the media text and the way in which it communicates with the target audience when analyzing the mode of address. So media text consists some text, for example magazines, they are aimed at young women can adopt an informal register. So indirect way mein aapko bata rahe hain, yahan pe aap mazid usko dekhen to aapko chalega ke simply means how the text speaks to the audience and involves them. The model looks directly at the audience or the writing speaks to you. Indirect mode of address mein kya hoga, the model looks away or the writing refers to people or to thing. Direct mode of address mein kya hoga, model आप ही को देख रही होगी या वो जो एड्रेस करेंगे यू के करेंगे। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होगा, द मॉडल विल लुक अवे, हो सकता है वो किसी और तरफ देख रही हो। द राइटिंग रेफर्स टू पीपल और पब्लिक, जिससे यू कैन सी हियर दिस एड, ये एक एड है जो नेट से उठाया है। इसमें ये आपको नहीं देख रहे, ये किसी और तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पर भी आप जब पढ़ेंगे इनकी राइटिंग्स को, टेक्स्ट को पढ़ेंगे मजीद, सो यू विल फाइंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल और दे मे टॉक एड्रेस सम अदर पर्सन, नॉट यू। Is that clear? So this is indirect address mode. Similarly, you will find some other formal mode of address. Formal mode of address kya hoga? Ye hamara lecture hai mere khayal se na. Formal mode of address means that suggests the target audience are more serious and sophisticated. Sir, humne do modes. मतलब उसमें आपको लगेगा देखने से, मिसाल के तौर पे एक इश्तिहार है जिसके अंदर आप देखेंगे थ्री पीस सूट के साथ जो है वो गंदा खड़ा हुआ है या कुछ है, तो that is formal mode of address. इनफॉर्मल में आपको इनफॉर्मल
लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती हुई मिलेगी और इनफॉर्मल लोग भी आपको मिलेंगे, राइट? सो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एड्रेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. सर फॉर्मल इनफॉर्मल भी इंक्लूड है फिर? हाँ, उसको भी आप मेंशन तो करेंगे ना, यू विल हैव टू मेंशन बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑफ कोर्स इन दैट कैटेगरी. अब बहुत से डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेस होते हैं लेकिन इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल होते हैं. लैंग्वेज से पता चल जाता है, लैंग्वेज विल टेल यू दैट वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. डायरेक्ट तो होंगे लेकिन हो सकता है फॉर्मल ना हो, इनफॉर्मल हो, और इनडायरेक्ट होंगे तो हो सकता है इनफॉर्मल हो. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है, फॉर्मल इनफॉर्मल अलग है. अब ये जो सामने मोड ऑफ एड्रेस है, व्हाट इज दिस? इनफॉर्मल मोड ऑफ एड्रेस. व्हाई? बिकॉज देयर ड्रेसिंग यू कैन सी. फिर इस पे लैंग्वेज जो पढ़ेंगे वो उससे भी पता चल जाएगा. इट्स टाइम फॉर अ चेंज इन द इनफॉर्मल, नॉट फॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन का सवाल नहीं होता. इज दैट क्लियर? यस सर. फॉर्मल मोड ऑफ एड्रेस. फॉर्मल मोड ऑफ एड्रेस इन मीडिया. Now this one, ये जो आपके पास है, you can also say this is formal mode of address. You'll find, you know, computer and papers and like this. Seriousness आपको वहाँ मिलेगी. Where we talk about formal mode of address, seriousness. This one is also, you'll find serious. जो शक, जो बंदा नजर आ रहा है वो भी serious आपको नजर आएगा. Language भी उसमें कोई slang का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है, formal language का इस्तेमाल हुआ होगा. So this is what we call formal. Any other thing? जैसे सर आपने बताया था थैलेसीमिया वगैरह. हाँ, very good example. अब थैलेसीमिया का एड होगा तो वो कौन सा होगा? उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज का नहीं होगा. मिसाल के तौर पर कैंसर एड. दिस इज नाउ, ये आपके पास एड है. दिस इज फॉर्मल मोड ऑफ एड्रेस, राइट? यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग. You know, this one we'll have to read it. World Cancer Day. You can see here lots of people. So it is a serious topic and they are seriously talking about some very important thing. Formal mode of address. Informal mode of address. वही जैसे आपके पास चाय का इश्तेहार हो गया. Advertisement. Now here you can see informal mode of address. She is smiling and she's talking about her calories and all such thing, and this is informal. My tea has zero calories. Yours? फिर यहाँ पे उसने direct कर दिया उसे. And she is, of course, direct mode of address. She is talking to you directly. And her words are also directly to you. She is asking you. Is that clear? Any other problem? Yes. अब याद रखिएगा, जिनके रह गए ना, technically they are left. अब मैं देखूंगा उनको, अगर मुझे कल time मिलता तो मैं उनकी लूंगा, otherwise I am not sure right now. Okay? And after this you will have your exams. तो अगर कल नहीं ले पाया तो इसका मतलब है कि after the exams. Is that clear to all of you? Those who are left, sorry. जो रहे, जिन्होंने last time presentation नहीं दी उनसे मैं कह रहा हूँ. अभी भी हैं अच्छे खासे students. If I will try to do it tomorrow, 9:30 बजे तक. अगर नहीं possible हुआ then after the completion of your exam, नहीं देंगे तो 25 नंबर हाथ से जाएंगे. Any question? Hurry up, we are running out of time. No sir, thank you. Right, I think now you will not have any problems and things have been clear, and wish you all the best.